अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा फ्री लेक्चर सीरीज का तीसरा सेशन है। आज का टॉपिक है पब्लिक पॉलिसी इन पाकिस्तान। लार्जली हम पब्लिक पॉलिसी को डिफाइन और इंटरप्रेट करेंगे और फिर देखेंगे कि हम क्यों इफेक्टिव पब्लिक पॉलिसी नहीं बना सके इन द केस ऑफ पाकिस्तान। नॉर्डिक कंट्रीज लाइक स्वीडन, Finland, Denmark, Norway. All these Nordic countries, they provide us with the perfect examples of how sustainable and equitable growth can be achieved. Kaise? By employing right public policies. Accurate public policy. For instance, in the case of Sweden, so economic prosperity hai, social equitable environment bhi hai, environmental sustainable bhi hai Sweden. Denmark, sorry, Finland, one of the best education system across the globe. Denmark, highest rate of investments in training and skill rehabilitation programs. Norway, one of the best taxation system across the globe. So in tamam countries ne, ye jo Nordic countries hain, inhone ye sab kuch kaise achieve kar liye? Uski ek badi wajah jo hai, wo hai effective public policies. Initiate ki aur unko implement kiya. कंट्रीज को चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स तो दरपेश होते रहते हैं और हर सोसाइटी को दरपेश होते हैं। उन चैलेंजेस और उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है, लोगों के प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को डेफिनेटली। इसके लिए गवर्नमेंट्स जो भी एक्शन लेती हैं, जो भी टूल यूज करती हैं, जो भी जिन भी रेगुलेशंस का सहारा लेती, जो भी पॉलिसीज फॉर्मुलेट करती गवर्नमेंट्स टू एड्रेस द सोसाइटल प्रॉब्लम्स, सोसाइटल इश्यूज, दे मे बी इन एजुकेशन सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन में, पॉलिटिक्स में, एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में, यूथ डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, लेबर के कॉन्टेक्स्ट में, किसी भी कॉन्टेक्स्ट। तो जो गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर्मुलेट करती है और उनको फिर एग्जीक्यूट करती है, इस डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को पब्लिक पॉलिसी कहा जाता है। ठीक, एक सेकेंड जी, हेलो, बस, हाँ जी, पहुंच गए आप? इधर ही ऊपर ही पढ़ा होगा, किधर? मैं ऑनलाइन क्लास में हूँ तो क्लास के बाद बात करता हूँ। इधर ही किधर पढ़ा होगा, क्लासरूम नहीं होगा, डाइस के अंदर देख लो, इधर उधर देख लो, इधर ही किधर पढ़ा होगा। नहीं तो वो अपने उस पे नहीं मिलता तो मोबाइल पे ऐप ऑन डाउनलोड करके ऐप से ऑन कर लो। हाँ, कोई भी ऐप जो जो उसको सामने देख ले उसके ऐप हो जाएगी उसके, ये वो ऑन है, एसी ऑन है, उनको जो है वो ऑन करना है, वो रिमोट से ऑन कर ले, रिमोट नहीं मिलता तो ऐप ऐप डाउनलोड कर ले ऐप से। ठीक है, अच्छा जी, तो ये पब्लिक पॉलिसी से करवाना क्या होता है? आपने इकोनॉमिक ग्रोथ करवानी होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करवानी होती है, इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द पीपल, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल इंप्रूव करना होता है, नेशनल वाटर पॉलिसी, नेशनल एनर्जी पॉलिसी, यूथ वियन, सोशल एक्शन प्रोग्राम, ये और इस तरह की बहुत सी होती। ये सब क्या है? ये सब पॉलिसीज, ये ना वे पब्लिक पॉलिसीज है। है क्या पब्लिक पॉलिसी? कैन बी डिफाइंड as a set of actions
on the part of the government to resolve the issues faced by people. और वो किसी भी तरह की हो सकते हैं, किसी भी सेक्टर में हो सकते हैं, लेकिन उन उन वो एक्शंस गवर्नमेंट लेगी, वो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट लेगी. सो पब्लिक पॉलिसी एक बड़ी जेनेरिक टर्म है, लेकिन किसी भी तरह की पब्लिक पॉलिसी मेकिंग के लिए तीन एलिमेंट्स जो हैं वो तो इंडिस्पेंसिबल है. पहला तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स होंगे तो उन्हीं के लिए आप पॉलिसी फॉर्मुलेशन करेंगे. दूसरा फिर प्लेयर्स, प्लेयर्स योर ब्यूरोक्रेसी, योर ऑफिशियल्स, योर डिपार्टमेंट्स, योर एजेंसीज, जो उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो पॉलिसी आप गवर्नमेंट ने बना ली उसकी एग्जीक्यूशन करेंगे. और डेफिनेटली थर्ड पॉलिसी इटसेल्फ. सो प्रॉब्लम, प्लेयर, पॉलिसी, थ्री पी इंडिस्पेंसिबल है पब्लिक पॉलिसी मेकिंग के प्रोसेस में. अब जो एक्सपर्ट्स हैं पब्लिक पॉलिसी के, उनके ख्याल में पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट्स दे गिव फाइव स्टेप्स ऑफ दिस प्रोसेस. इस पूरे पब्लिक पॉलिसी को बनानी है आपने पॉलिसी, उसकी पांच स्टेप्स हाईलाइट करते. नंबर वन, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. समय लगता है बड़े आसान सी, अभी तो लगेगा आसान सी चीजें, लेकिन आगे काम की बात आगे आएगी. लेकिन जाहिर है एक टॉपिक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एडमिनिस्ट्रेशन का, तो उसको थोड़ा सा समझना तो जरूरी है. प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की स्टेज पर डेफिनेटली आप बहुत केयरफुल होंगे, बिकॉज अगर आपने प्रॉब्लम गलत आइडेंटिफाई कर लिया है तो फिर अगली स्टेजेस में आपको अंदाजा नहीं होगा कि आपने गलत आइडेंटिफिकेशन कर ली है. उसका अंदाजा फिर उसकी एग्जीक्यूशन के बाद होगा पॉलिसी. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एक्यूरेट होनी चाहिए. समटाइम्स गवर्नमेंट्स ऐसी पब्लिक पॉलिसी इनिशिएट कर देती हैं, ऐसा इनिशिएटिव ले लेती हैं जो कि प्रॉब्लम होता नहीं है, लेकिन उसके लिए पॉलिसी आ जाती है, तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लमैटिक हो जाती है. जैसा कि मेट्रो बस, ये मैं नहीं कह रहा भाई, तकरीबन पाकिस्तान के तमाम जो पॉलिटिकल इकोनॉमी से वाबस्ता लोग हैं सबके नजदीक जो ये लाहौर का मेट्रो बस का प्लान था, तो ये लैक ऑफ प्लानिंग का की वजह से हमारे सामने कि सब्सिडी पे सब्सिडी देनी पड़ रही है इसको, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हुई है, अर्बन सिटी में इतना ऐसे प्रोजेक्ट को लॉन्ग टर्म सिनेरियो में इसकी कोई फिजिबिलिटी नहीं ली गई, कॉस्ट एंड बेनिफिट सिस्टम इसका नहीं देखा गया, जरूरत नहीं थी अभी गिवन स्टेज पे, लेकिन पॉलिसी फॉर्मुलेट कर ली गई. तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की स्टेज बहुत जरूरी है. सेकंड, पॉलिसी एडॉप्शन. जब आपने पॉलिसी फॉर्मुलेशन, दूसरी स्टेज, जब आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर दिया है तो फिर इस सेकंड स्टेज पर फिर एक्सटेंसिव डिस्कशंस एंड डिबेट्स. और याद रहे ये एक्सटेंसिव डिस्कशन एंड डिबेट्स आपने मैंने नहीं करनी, ये लेजिस्लेटर्स ने करनी है, लॉ मेकर्स ने करनी है, ब्यूरोक्रेसी ने नहीं करनी, ध्यान में रखिएगा, लॉ मेकर्स ने करनी. इस डिस्कशन और इस डिबेट्स में ऑफिशियल्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स, इवन सिटीजंस, उनकी सलाह ली जा सकती है, उनकी राय ली जा सकती है, लेकिन ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन करनी लेजिस्लेटर्स ने. ऐसी ही एक पब्लिक पॉलिसी जिस तरह नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी
बड़ी मशहूर हुई 2014 से 18 की, अब आपकी 18 से 23 वाली सेकंड चल रही है। लेजिस्लेटर्स ने करनी है पॉलिसी। पॉलिसी फॉर्मुलेशन की स्टेज पे आपके पास 4 से 5 ऑप्शंस आ गई, तो आपके पास तीसरी स्टेज आने लगी है जो है पॉलिसी अडॉप्शन। पॉलिसी अडॉप्शन की स्टेज पे आपके पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स तो आ गई है, 4 से 5 ऑल्टरनेटिव सपोज आपके पास आ गई। अब उन ऑल्टरनेटिव में से आपने केयरफुली एवेल्युएट करना है कि कौन सा एक सिंगल एजेंडा वो इफेक्टिवली प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकता है। आपने उसको उसका अप्रूवल ले लेना है लेजिस्लेटर्स ने अपने लेजिस्लेचर से, और फिर स्टेज आ जानी है आपकी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। सबसे मजेदार स्टेज है इन विच रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर असाइंड। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप असाइंड कर देते, इट रिक्वायर्स क्लोज कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल दोज एजेंसीज एंड ऑफिशियल्स। याद रहे ब्यूरोक्रेसी, जिसका आप में से ज्यादातर ने कल को हिस्सा बनना है। ब्यूरोक्रेसी जनरली हम ये समझते हैं हम पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बन जाएंगे। ब्यूरोक्रेसी टेक्निकली पॉलिसी मेकिंग नहीं है, ये तो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है। राय ली जा सकती हमारे हमारे मुल्क में, दूसरी तरह वो हम क्रिटिक में जाएंगे तो हम उसको देखेंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यहीं पे है जी, दिस इज द मेजर इशू। आने बड़ी बड़ी जबरदस्त किस्म की पॉलिसीज इस मुल्क में इंट्रोड्यूस की हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन के लेवल पर, इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर बेड़ा गर्क हो गया। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, करप्शन एंड अदर एस्पेक्ट्स। फिर आपके पास आखिरी स्टेज आ गई जी, पॉलिसी इवैल्यूएशन। हाउ द पॉलिसी इज वर्किंग, हैज द पर्टिकुलर पॉलिसी एबल टू रिजॉल्व द इश्यूज और नॉट, इवैल्यूएट करना। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे केस में जब इम्प्लीमेंटेशन ही ठीक नहीं हुई है तो इवैल्यूएशन तो हनूज दिल्ली दूरस्थ। हमारे पास ब्रिलियंट माइंड हैं, लेकिन वो ब्रिलियंट माइंड या तो हम यूटिलाइज नहीं कर रहे, और वो ब्रिलियंट माइंड अगर कोई आपको लेजिस्लेटर लेजिस्लेटिव हाउसेज में अगर हैं तो वो जो आपको पॉलिसी बना के दे रहे हैं उसके नीचे एग्जीक्यूशन नहीं हो रही। एक एग्जांपल, अभी क्योंकि मैं एजुकेशन सेक्टर की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वाबस्ता हूं, तो कॉलेजेस की ऑनलाइन अटेंडेंस रोज सुबह जो है वो एमआईएस डिपार्टमेंट को भेजी जाती है जी, और उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि कौन से टीचर जो हैं वो प्रेजेंट हैं और कौन से टीचर्स जो हैं वो लीव पे हैं, कौन से टीचर एब्सेंट हैं। अब मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस करते क्या हैं कि जनाब एब्सेंट के खाने को निल भेज देते हैं। कोई टीचर अगर नहीं आया 9 बजे तक तो उसको जनाब प्रेजेंट मार्क करके भेज देते हैं। उसी डाटा की बेस पर जो है वो एमआईएस डिपार्टमेंट एवेल्युएट कर देता है कि जनाब इतनी परसेंट अपने अटेंडेंस इंश्योर कर ली है, अब जनाब एब्सेंटी टीचिंग कोई नहीं है, टीचर्स आ रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी और है, टीचर घर बैठा हुआ है, अटेंडेंस उसकी फिर भी ऑनलाइन भी चली गई। सो पॉलिसी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन एग्जीक्यूशन के लेवल पर सिस्टम को ठीक नहीं कर सकी, सिस्टम ने लिए अपने लिए रास्ता निकाल लिया। अब इंपॉर्टेंट बात, ये जो
तीन स्टेजेस हैं, थ्री पीस, प्रॉब्लम, प्लेयर, पॉलिसी। ये जो पांच, फिर इसकी आगे पॉलिसी आइडेंटिफिकेशन है प्रॉब्लम का, फिर उसके बाद उस पे फॉर्मुलेशन, फिर अडॉप्शन, फिर वो इम्प्लीमेंटेशन, फिर इवेल्युएशन। अच्छा सॉरी, ये इवेल्युएशन जो है इसके मल्टीपल मेथड्स हैं जी, देयर आर वेरियस मेथड्स एम्प्लॉयड अक्रॉस द ग्लोब फॉर द असेसमेंट ऑफ अ पॉलिसी। तीन बड़े मशहूर हैं, उनमें एक तो कॉस्ट एंड बेनिफिट सिस्टम है, सॉरी कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस, दूसरा है मल्टी क्रिटिक्स एनालिसिस, और तीसरा है इकोनॉमिक इंपैक्ट। बट इट इज पर्टिनेंट टू हाईलाइट दैट व्हेनेवर अ पॉलिसी फेल्स, तो ब्लेम पॉलिसी को नहीं किया जाता, रादर ब्लेम किया जाता है एग्जीक्यूटिंग बॉडी को, यानी इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर जो लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं वहां पर ब्लेम किया जाता है, पॉलिसी को कभी भी ब्लेम नहीं किया जाता। ब्लेम के साथ प्लेस किया जाता है जी कि ये पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से पॉलिसी डिक्लाइन कर गई, मीगर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से पॉलिसी फेल हो गई। सो अपेरेंटली अभी तक जो हमने पब्लिक पॉलिसी जो डिस्कस की है, जो देखी है, ये तो बड़ा आसान सा काम है, मसला ही कोई नहीं। तीन पी को सामने रखो, पांच स्टेजेस में मसले को आपने हल करना, इफेक्टिव एग्जीक्यूशन हो जाए, करप्शन ना हो, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ना हो, मेरिटोक्रेटिक एनवायरनमेंट हो, लो जी मसला हल हो गया। तो अपेरेंटली तो ये बहुत जबरदस्त क्या बात, बट रियलिटी इज डिफरेंट। रियलिटी में पब्लिक पॉलिसी इज कॉम्प्लेक्स। दिस लीनियर फ्रेमवर्क, ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, लीनियर, दिस लीनियर फ्रेमवर्क डजंट वर्क। और खास तौर पर यहां ये बात मद्देनजर है कि पब्लिक पॉलिसी मेकिंग और इससे जुड़े मेथड्स एंड अप्रोचेस ऑल आर इनिशिएटेड क्वाइंड बाय वेस्टर्न स्कॉलर्स। वेस्ट का ओरिएंटेड आइडिया है, पब्लिक पॉलिसी इज लार्जली वहीं पर सक्सेसफुल है जहां डेमोक्रेसी है, इंस्टीट्यूशंस स्ट्रांग हैं और सोसाइटी में सिविक सेंस है। देयर आर नंबर ऑफ मॉडल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, कोई एक मॉडल नहीं है, वो जो पांच स्टेजेस हैं उसमें मल्टीपल मॉडल्स हैं, लाइक एडवोकेसी फ्रेमवर्क है, मल्टीपल स्ट्रीम फ्रेमवर्क है, रैशनल चॉइस एनालिसिस है, पॉलिसी नेटवर्क अप्रोच है, पॉलिसी ट्रांसफर पर्सपेक्टिव है, नेटवर्क गवर्नेंस है। बट ऑल दीज मॉडल्स ये जनाब सूट करते हैं उस टेरिटरी को जहां डेमोक्रेसी हो, जहां इंस्टीट्यूशंस मजबूत हो और जहां पर सिविक सेंस हो। सवाल ये पैदा होता है, व्हाट अबाउट कंट्रीज लाइक पाकिस्तान? अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक पब्लिक पॉलिसी ऐसी नहीं है 14 अगस्त 1947 से लेके आज के दिन तक जिसको आप कह सकेंगे जिसने इफेक्टिवली अपने टारगेट्स अचीव किए हैं, कोई एक भी नहीं। मेरा ख्याल है हमें जरूरत ही नहीं है किसी पब्लिक पॉलिसी, क्योंकि जिना साहब ने कहा था कि नो पावर ऑन अर्थ कैन अंडन पाकिस्तान,
और पाकिस्तान क़यामत तक रहेगा, तो हम ये समझते हैं हमारा ईमान है कि पाकिस्तान क़यामत तक रहेगा, तो हमें किसी पब्लिक पॉलिसी की ज़रूरत ही नहीं है, उसके बगैर भी पाकिस्तान क़यामत तक रहेगा, गालिबन शायद इसीलिए ज़रूरत नहीं थी। खैर, सो वट अबाउट कंट्रीज विच आर पोलिटिकली इंडिपेंडेंट बट इकोनॉमिकली डिपेंडेंट? हम हैं ना, हम इसकी एग्जाम्पल हैं। ऐसे कंट्रीज पर ये वेस्ट के ओरिएंटेड प्लान्स, ये मल्टीपल स्ट्रीम फ्रेमवर्क, ये रैशनल चॉइस एनालिसिस, ये पॉलिसी नेटवर्किंग, ये नेटवर्क गवर्नेंस कैसे, पांच स्टेजेस पब्लिक पॉलिसी की कैसे? What about a country where there is an elected government but without people-centric democracy? लोग तो elected आ गए, हुक्मरान तो elected हैं, लेकिन people-centric democracy नहीं है। ये भी आपकी example है। What about those countries? Those who got independence from colonial rule, but still they follow colonial tradition, particularly in administrative structure. आप भी इसकी example है। And then most importantly, what about those countries के जहां पर intellectuals भी हैं, highly educated, well-read people हैं, but governments don't allow them to be a part of policy formulation? आप इसकी example है। बड़ा बड़ा दिमाग पड़ा हुआ है लम्स में, नस्ट में, एनडीयू में और जगहों पर, पाइड में, आईबीए में, लेकिन एकेडेमिया के साथ गवर्नमेंट किसी दौर में भी आपकी कंपैटिबल नहीं हुई। ऐसे कंट्रीज में क्या होगा भाई? और आप उसकी एक क्लासिकल एग्जांपल है। आपको कैसी पब्लिक पॉलिसी चाहिए? पब्लिक पॉलिसी बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट स्फीयर्स को एड्रेस कर रही है, इकोनॉमी, इकोनॉमिक, सोशल, एंड गिवन द इंपॉर्टेंस of this particular sphere in the 20th and 21st century, environmental. A good public policy should solve problems in economic sphere, social sphere, environmental context maybe. But please keep one thing in mind, without causing any political disagreement. पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स भी नहीं होने चाहिए। हमने क्या किया, ज्यादा दूर ना जाएं, पिछली गवर्नमेंट की तीन चार बड़ी पॉलिसीज उठा के देख लें, सब ही प्रॉब्लम्स का शिकार। इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी, एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसी, नेशनल वाटर पॉलिसी बिल्कुल डाइंग डेज में पिछली गवर्नमेंट ने शायद खाकान अब्बासी के दौर में इशू की। वो पब्लिक पॉलिसीज जिनकी हमें जरूरत नहीं है वो हम आबोताब से चला रहे हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, पैसे दे देने से कभी गुर्बत खत्म नहीं होती, याद रखिए, मवाके देने से गुर्बत खत्म होती। तो हमारा तो निजाम ही उल्टा है। अब फिर देखते हैं जनाब कि वो क्या कॉजेज हैं जिनको लेबल किया जा सकता है फेलियर ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान जैसे कंट्रीज के लिए खास तौर पर ये टर्म यूज की जाती है कि ये डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान ये पब्लिक पैरालिसिस का शिकार है।
मल्टीपल फैक्टर्स हैं जी, बहुत सारे फैक्टर्स, कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। मैंने काफी आर्टिकल्स देखे इस पे, इंट्रोडक्शन टू पब्लिक पॉलिसी की बुक भी देखी, पाकिस्तान से रिलेटेड फिर आर्टिकल्स भी काफी देखे इस एक दिन में, और जो लगभग एक कंसेंसस मुझे नजर आया सारी जगहों पर कि कोई एक सिंगल पॉलिसी नहीं है सस्टेनेबल। हाँ ठीक है, जिसने 4-5 साल 10 साल के लिए आपको जो है वो रिजल्ट दिए, लेकिन उसके बाद कलैप्स होगी। सस्टेनेबल एक भी पब्लिक पॉलिसी नहीं। तो देखते हैं जी फिर कॉजेस को। कॉजेस में जनाब लीडरशिप, कमिटमेंट ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप क्राइसिस का शिकार तो हम हर दौर में रहे हैं जी। पब्लिक पॉलिसी लार्जली, बल्कि लार्जली क्या, हर हाल में ये काम ही, ये टास्क ही लेजिस्लेटर्स का है, लेजिस्लेटर्स ने काम कर। बट अनफॉर्चुनेटली 90% से ज्यादा आपका लेजिस्लेटर तो उसको अवेयरनेस ही नहीं होती, कॉग्निशन ही नहीं होता, मसाइल का इदराक ही नहीं होता। सो रिजल्टेंटली वो सही शफकात कहते हैं ना कि आपके यहां आयरॉनिकली पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन लेजिस्लेटर्स नहीं, ब्यूरोक्रेसी कर रही होती है। हालांकि ब्यूरोक्रेसी का काम इंप्लीमेंटेशन का है। हमने अपने फेलियर्स की वजह से, लेजिस्लेटर्स ने अपने फेलियर्स की वजह से ब्यूरोक्रेसी को इतना ज्यादा बड़ा जो है वो जिन बना दिया, बला बना दिया। ब्यूरोक्रेसी तो नौकर है, मुलाजिम है, इंप्लीमेंटेशन करना। माजद के साथ आप सबने इसी का पार्ट बनना है, लेकिन जो एकेडमिक बात है वो तो यही बात है। पब्लिक पॉलिसी लेजिस्लेटर्स का काम, और लेजिस्लेटर्स की क्या क्वालिटी आ रही है वो आपको भी अंदाजा है। सेकंड फिर लैक ऑफ विजन, कोई भी शख्स, कोई भी पोर्टफोलियो जब उसको दिया जाता है तो डेफिनेटली जो एक बहुत बड़ा प्रीरेक्विजिट है इन द वेस्ट, वो शुमार किया जाता है कि जनाब आप क्या विजन लेके आएंगे, क्या मीनिंगफुल चेंज लेके आएंगे, आपका विजन है क्या। And in the case of Pakistan, ministers, of course, they are also legislators. तो ministers आपके वो तो public policy के नजदीक से भी नहीं गुजरते, विजन ही नहीं है, department को चलाना कैसे है? तो वो dependent हो जाते हैं पूरे के पूरे अपने secretary पे, अपने special secretary पे, अपने additional secretaries पे, और वो secretaries और special secretaries और additional secretaries department चला रहे हो। हालांकि काम वीएन मिनिस्टर ने लेके आना है, उसने इनिशिएट करवानी है पॉलिसी अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड, लेजिस्लेटिव हाउस से उसको अप्रूव करवाना, उस पॉलिसी की रोशनी में आगे फिर आपकी एग्जेक्टिव टीम ने, ब्यूरोक्रेसी ने उसको इंप्लीमेंट करना। देन वोट ओरिएंटेड अप्रोच वर्सेस वेलफेयर ओरिएंटेड अप्रोच। टेंटेटिव सी फिगर है जी, एग्जैक्ट एक्यूरेट फिगर नहीं है, लेकिन पंजाब के दो डिपार्टमेंट्स, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड स्कूल डिपार्टमेंट, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, दो एजुकेशन के डिपार्टमेंट पंजाब के, 6,000 से ज्यादा ट्रांसफर्स सितंबर से लेके मार्च तक, सितंबर 2018 से लेके मार्च 2019 तक, स्कूल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन मिला के 6,000 से ज्यादा अक्रॉस पंजाब ये ट्रांसफर हुई, अभी हुई है, इस गवर्नमेंट में हुई है। रनिंग सेशन में, पीक पे सेशन है, कहीं पर एक टीचर पढ़ा रहा है और आपने उसकी ट्रांसफर कर दी, या उसने करवा ली एमपीए एमएनएस को, मिनिस्टर्स को कह के, तो आपका फिर एजुकेशन का रिजल्ट तो कम होना ही होना है, तबाह करके रख दिया, बेड़ा गर्क करके रख दिया।
बस कोई एमपीए है वो आ गया तो जनाब उसको ना नहीं है जी, क्योंकि वोट ओरिएंटेड अप्रोच है। कोई अप्रोच, कोई पैरामीटर डिटरमिन ही नहीं किया कि रनिंग सेशन में पीक बैच में ट्रांसफर्स नहीं होंगी तो नहीं होंगी, बैन है जी। ऐसे ऐसे मजाका खेज ट्रांसफर्स ऑर्डर्स जो हैं वो खास तौर पर जो है वो एजुकेशन सेक्टर में देखने को मिले कि एक ही ऑर्डर में सीट डाउनग्रेड भी हुई और उसी ऑर्डर में सीट कन्वर्ट भी हुई और जनाब ट्रांसफर भी हुई। ये क्या है? वोट ओरिएंटेड अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच नहीं। Then governance structure, problem in governance structure, बहुत बड़ा problem, lack of accountability, misuse of authority, corruption, and due to this weak governance, there is weak cooperation among field departments in different organizations. Governance का structure ही overall weak है, जिसकी वजह से फिर नीचे कोऑर्डिनेशन की भी कमी है, इंतहाई कोऑर्डिनेशन की कमी। फरवरी 2019 सेक्रेटरी एजुकेशन का नोटिफिकेशन दैट डायरेक्टर्स एंड डिप्टी डायरेक्टर्स कॉलेजेस के ऑडिट अकाउंट्स चेक कर सकते। अप्रैल 2019 एक और जेली बॉडी का उसके अंदर ही डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन का नोटिफिकेशन कि डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर्स कॉलेज के अकाउंट्स चेक नहीं कर सकते। क्या भाई, समझ आ रही? जब वीक गवर्नेंस होगी तो जेली बॉडीज में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, एक सेक्रेटेरिएट लेवल पर, एक डीपीआई लेवल पर, एक डायरेक्टरेट लेवल। तो वीक गवर्नेंस की वजह से, जब ऊपर से वीक गवर्नेंस होगी तो नीचे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होगी तो पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी आपने जितनी भी बेहतर बनाई हो उसकी इंप्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन फर्क। देन आगे बात टाइम मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। हम जब इंटरनेशनल रिलेशंस में देखते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट का, तो हम कहते हैं जी सबसे इंपॉर्टेंट जो क्राइसिस मैनेजमेंट का टूल है इसको मद्देनजर रखना चाहिए, वो टाइम मैनेजमेंट है। लेकिन मैंने जब ये टॉपिक पढ़ा, इसको देखा, तो मैंने रियलाइज किया फुली कि जनाब कोई भी प्रॉब्लम टाइमली रिस्पॉन्स चाहता है जी। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन अगर आप इफेक्टिवली जल्द अज जल्द नहीं करेंगे तो आप उसको एड्रेस नहीं कर पाएंगे, फिर वो सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा, उसको व्यू किया जाएगा कि वो सिस्टम का हिस्सा। ऐसे जैसे पेटी करप्शन आपकी, आपको एक जीपी फंड का अपना इशू एड्रेस करना हो, आपको अकाउंट ऑफिस का कोई इशू एड्रेस करना हो, तो आप ये अज्यूम कर लेते हैं कि मेरा 1 लाख का बिल है तो मुझे 2-4 हजार रुपया तो देना पड़ेगा। ये किसी गिवन स्टेज पे इसको एड्रेस नहीं किया गया, रिजल्टेंटली ये सिस्टम में इनकॉर्पोरेट हो गया, अब तो इसको करप्शन समझा ही नहीं जाता। सो टाइम मैनेजमेंट अगर इफेक्टिव नहीं होगी तो प्रॉब्लम सिस्टम का नासूर बन जाएगा, उसको फिर एड्रेस करने में आपको डेकेड्स लग जाएंगे। फिर जनाब सेंट्रलाइजेशन इन डिसीजन मेकिंग, मां बदौलत बड़े गंजा भाई साहब ने, बड़े गंजा भाई साहब ने इस्लामाबाद से बैठ के जो है वो एक शाही फरमान नाजिल कर दिया, तो अब जनाब उसी को फॉलो किया जाए। मां बदौलत छोटे गंजा भाई ने को अपनी ख्वाहिश का इजहार फरमा दिया, कोई वो लंदन में कुछ देख के आए या बीजिंग में कुछ देख के आए, उन्होंने कहा जनाब ऐलान कर दिया जाए, ऐलान कर दिया। मां बदौलत खान साहब उन्होंने कुछ आइडिया अनाउंस कर दिया जाए,
डिसीजन मेकिंग याद रहे, फॉर्मुलेशन की जो स्टेज है वो तो है ही डिस्कशंस एंड डिबेट्स की। हमारे जैसे कई कंट्रीज का साथ ये इशू, हमारा तो ये बहुत बड़ा इशू, सेंट्रलाइजेशन इन डिसीजन मेकिंग। बस जो अथॉरिटी ने कह दिया है वो आगे आपने उसको पॉलिसी बनानी है, उसको अप्रूव करवाना और उसपे जनाब बस गधों की तरह उस पर काम शुरू कर दे। प्राइम मिनिस्टर पोर्टल, पीएमडीयू, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस डिलीवरी जो यूनिट है, पीएम पोर्टल जिसको कहते हैं, बड़ा अच्छा आइडिया, बहुत जबरदस्त। लेकिन दिन में उस पर आने वाली 100 कंप्लेंट्स में से 99% कंप्लेंट्स बोगस, फजूल, तो 5% आप कह ले चले ज्यादा से ज्यादा कि जो वाकई एक्यूरेट है, कि जिन पे काम किया जाए तो पता लगता है कि हाँ यार नेपोटिज्म हुई है, करप्शन हुई है, किसी को इंसाफ नहीं मिला है, मेरिट की वायलेशन हुई है, 5%। बाकी सारी क्योंकि पॉलिसी बनाते वक्त इस चीज को सामने नहीं रखा गया कि ऐसी जो स्पूरियस एप्लीकेशन होंगी उनको क्या किया जाएगा, बस शाही फरमान आ गया और उसकी एग्जीक्यूशन शुरू हो गई, रिसोर्सेज जाया हो रहे। देन जनाब कुछ जेन्युइन इश्यूज भी है, जैसा कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। बड़ा की इशू, चारों सूबों के फाइनेंस डिपार्टमेंट्स जो हैं उनके पास हर डिपार्टमेंट की तरफ से एसएनई बढ़ाओ हमारी, एसएनई बढ़ाओ हमारी, बजट एलोकेशन ज्यादा करो हमारा, लेकिन नहीं कर पाते क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, जिसकी वजह से आपकी पॉलिसीज मुख्तलिफ सेक्टर्स की, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन, मुख्तलिफ एजेंसीज की, गवर्नमेंट की बात हो रही सारी, डिले का शिकार हो जाती। और वैसे भी आपका जो पूरे का पूरा ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है ये स्केप्टिसिज्म पे है। आप कोई नॉवल आइडिया लेके इनिशिएट करते हैं उसको, तो उसको आपके अपने डिपार्टमेंट के लेवल पर पहले उसमें से कीड़े निकाले जाते हैं, फिर उसके बाद फाइनेंस वाले उस पर कीड़े निकालते हैं कि जनाब इसको बस रोका जाए, नया इनिशिएटिव को सामने ना आए, इसके साथ नया वर्कलोड सामने आ जाएगा, तो लिहाजा जो जैसे चल रहा है उसको वैसे चलाया। हम अभी तक उस सोच से निकले ही नहीं कि अंग्रेज जो निजाम दे गया था, तो अंग्रेज कोई पागल थे, अंग्रेज बहुत सियाने थे, कुछ निजाम दे गए हम उसी के मुताबिक चले, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली उसके मुताबिक भी नहीं चले। उसमें भी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जो पॉलिसी मेकिंग करती थी और नीचे फिर ब्यूरोक्रेसी उसको एग्जीक्यूट करती थी, अब तो ऐसा कुछ नहीं। देन ऑफकोर्स ये हमने हेडर कर लिया जी, रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, इम्प्लीमेंटेशन का रोल है, लेकिन हमारे यहां गोइंग टू लैक ऑफ विजन ऑन द पार्ट ऑफ मिनिस्टर्स, सारे का सारा ब्यूरोक्रेट्स खुद देख रहे थे पॉलिसी, हालांकि उनका काम ही नहीं है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये आलीजा शबर जैदी का काम नहीं है, उनका काम है एग्जीक्यूट कर। हाँ एक काम उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने कहा जो आपका मौजूदा टैक्स का सिस्टम है ये फ्लॉड है, लेकिन वो नया नहीं ला सकते, नया लाएगी पार्लियामेंट, लॉ मेकर्स। 2001 के टैक्स ऑर्डिनेंस में बड़े सीरियस फ्लॉज हैं, 2001-2019 आ गया, दो डेकेड्स और आप उन फ्लॉज को एड्रेस नहीं कर पा रहे, लेजिस्लेटर्स ने करना है। और शबर जैदी जैसे लोगों ने और उनकी पूरी टीम ने, पूरे एफबीआर ने, आईआरएस ने, कस्टम्स ने उसको इंप्लीमेंट करना है, सिंपल। लेकिन हम 2001 से लेके आज तक यही कहते नहीं, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में फ्लॉ है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में फ्लॉ है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में फ्लॉ है। अब आके एक बंदे ने पहली दफा आपको आके कहा कि जनाब टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन से पहले
tax ordinance में फ्लॉ है। इसके बाद जनाब एक्सेसिव पॉलिटिकल इंटरवेंशन, आइडियल और इफेक्टिव गुड पब्लिक पॉलिसी के लिए जरूरी है कि मिनिमम पब्लिक इंटरवेंशन ऑन द पार्ट ऑफ पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियंस तो अपने वोट बैंक को इंश्योर कर रहे होते हैं, मेरा एक स्टूडेंट था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, तो 2017 से 18 की वो रुदाद मुझे सुनाता है कि असिस्टेंट कमिश्नर था कि जी हमें सर अपने इलाके के एमपीएस को हमें हुक्म मिलता था कि जनाब एमपीएस को हर हाल में असेंबली पहुंचाएं, बिल पास करवाना है, और एमपीएस आखिरी साल में अपने हलके से बाहर नहीं निकलते कि भाई बिल गया तेल लेने, चौधरी फलाने का बेटा जो है उसका वलीमा है वो अटेंड करना है मैंने, क्योंकि वो चौधरी साहब के 200 वोट है, फलाने चौधरी का वालद फोत हो गया था, मैंने उसके कुलखानी पे जाना है, मैं असेंबली नहीं जा सकता क्योंकि उस चौधरी साहब के नीचे 4 गांव है और 4 गांव में 1500 वोट है, तो मैं कैसे छोड़ दूं। तो पूरे का पूरा सिस्टम ही जो है वो, तो आप कहां से एक इफेक्टिव पब्लिक पॉलिसी एग्जीक्यूट करवा सकते। देन लैक ऑफ प्लानिंग, ये जो पेशावर का अजूबा आप नौवां अजूबा दुनिया का खड़ा कर रही है, बस सर्विस, फिर ये बस सर्विस जो लाहौर वाली, फिर मुल्तान वाली, फिर पिंडी वाली, ये सब लैक ऑफ प्लानिंग का शिकार, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस इफेक्टिवली किया ही नहीं गया। क्या आप लोगों को मालूम है कि पिशावर, मर्दान, नौशहरा, ये जो सारी पट्टी है, ये पूरी की पट्टी, पूरी की पूरी पट्टी आपने इसको अर्बनाइज करते गए, इस पूरी पट्टी का ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है, पूरी की पूरी पट्टी का काम ही नहीं किया गया उस पर। अर्बनाइजेशन टाउन प्लानिंग के मेथड्स की, टाउन प्लानिंग की स्ट्रेटजीज की धज्जियां आपको बिखरती नजर आती हैं इन एरियाज। प्लानिंग देन उसके बाद जनाब डिक्टेशन ऑन द पार्ट ऑफ वर्ल्ड डोनर्स, ये भी बड़ा मजेदार काम है। ये तो मैंने खुद रमजान से पहले एक डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन में मैं भी गया, तो वहां पे पोलियो से रिलेटेड थे इशू, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से आए हुए थे लोग, मैं हायर एजुकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो उसमें जनाब मुख्तलिफ लाहौर के यूनियन काउंसिल्स और उनके केस लगे हुए थे कि यहाँ रिपोर्ट हुआ है एक बच्चा जिसको पोलियो की वैक्सीनेशन नहीं हुई, यहाँ 2 रिपोर्ट हुए, यहाँ 3 रिपोर्ट हुई, तो जी खड़े हो जाएं जनाब। तो वो यूनियन काउंसिल का जो भी इंचार्ज था पोलियो की टीम का, वो खड़ा हो जाता था हेल्थ डिपार्टमेंट का, डिप्टी कमिश्नर जो है वो उसको अल्फाजों के साथ ज़दोखोफ जो है फरमाया गया उसको, तो उसने बेचारे ने आगे से ये कह दिया कि जनाब ये आपकी रिपोर्ट जो है वो WHO की रिपोर्ट है, ये WHO की रिपोर्ट पे आप हमें कह रहे हैं कि जनाब 2 केस मिसिंग है, तो आप WHO से ये कहें कि ये 2 केस उनको लगता है जो मिसिंग है, तो कम से कम हम उन्हें उन 2 बच्चों के घरों का और उस गली का नंबर बता दें कि कौन सी गली नंबर में, कौन से घर नंबर में ये 2 केस मिसिंग है, ताकि हम जाके उनको अब पोलियो के कतरे पिला। तो आगे से बेचारे को झिड़के पड़ गई, हालांकि जवाब सवाल तो उसका बड़ा जेन्युइन था कि ठीक है माना हमसे गलती हो गई, 2 बच्चे रह गए, कौन से 2 बच्चे हैं जरा बताएं। तो सही वर्ल्ड डोनर्स आपको डिक्टेट करते हैं, बिकॉज आपकी अपनी इंप्लीमेंटेशन जो है वीक है,
तो रिजल्टेंटली डोनर आपको डिक्टेट करता है ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, और आपको फिर उनकी डिक्टेशन माननी पड़ती है। रिजल्टेंटली आपकी अपनी पब्लिक पॉलिसी अव्वल तो इफेक्टिव होती नहीं, और अगर सपोज हो भी जाए खुदा ना खास्ता एक्सीडेंटली, तो जनाब वो ऐसे डोनर्स उसकी धजियाओं घेर देते हैं, क्योंकि वो अपनी स्ट्रेटजी आपको कहते हैं कि एग्जीक्यूट करें। देन प्रॉब्लम्स, आखिरी बड़ा हेडर, प्रॉब्लम्स ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस, प्रॉब्लम्स इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। इन थ्योरी तो पब्लिक पॉलिसी क्या बात है यार, जबरदस्त एवरग्रीन ऑल इनकम्पासिंग, हर तरह के सॉल्यूशंस आप जनाब डिस्कशंस करवाएं, डिबेट्स करवाएं, सारे फेजेस को पूरा करें, मुख्तलिफ मेथड्स हैं आपके पास, एवेल्युएशन के मुख्तलिफ मेथड्स हैं आपके पास, बंद कमरे में बैठ जाएं, चार पांच डिग्री होल्डर्स इकट्ठे हो जाएं और जनाब आपने बेहतरीन पब्लिक पॉलिसी बना दी, क्या बात, मम्मी डैडी बच्चों वाली, बाहर से पढ़ के आए, यहाँ के बड़े बड़े इदारों से पढ़े, छोटे छोटे शहरों के जाके महलों के मसाइल को देखा नहीं जाके, लेकिन बंद कमरों में एसीओ में बैठ के पब्लिक पॉलिसी बना। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इससे टोटली डिफरेंट। सोशल एक्शन प्लान 1992 से 1995, पहला सोशल एक्शन प्लान आपका तबाही का प्लान। अभी भी ऑनलाइन अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं सोशल एक्शन प्लान 1992, कमाल तबाही, हेल्थ एजुकेशन फ्लॉप हो गया, क्योंकि जो बंद कमरों में बैठ के पॉलिसीज बनी वो इन प्रैक्टिस कंपैटिबल। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, क्या बात है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आसमानी सहीफे का दर्जा नहीं मिला बस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को, नहीं तो इससे तो कसर कम छोड़ी नहीं थी ग्लोब ने। पाकिस्तान वर्स्ट परफॉर्मिंग, वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग डेवलपिंग कंट्रीज में आता है, मरीन डेवलपमेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। '90s में किया ना आपने, लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम शुरू किया, घर घर जाके लेडी हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो खवातीन को अवेयरनेस, आगाही, कॉन्ट्रासेप्टिव्स की आगाही, औलाद में वक्फा आगाही, तो जनाब वो बैकफायर कर गए, कई जगहों पर लेडी हेल्थ वर्कर्स को फायर लग गए, कई जगहों पर उनका जाना जो है वो बैन हो गया, और कई जगह पर घर के मर्दों ने अपनी औरतों को लेडी हेल्थ वर्कर्स के साथ मिलने पर, उनसे बात करने पर तलाकें दे दी। थेरी कुछ हो रहा है, प्रैक्टिस कुछ हो, पब्लिक पॉलिसीज आर ऑलवेज कल्चरल। बेस्ट आइडिया से बनाए जाने वाली पब्लिक पॉलिसीज कभी डेवलपिंग कंट्रीज और खास तौर पे कंट्रीज लाइक पाकिस्तान इनमें सक्सेसफुल नहीं हो सकती। कैसे, एक एग्जांपल केस स्टडीज की बड़ी जरूरी है समझाना। केस स्टडी है जनाब इकोनॉमिक पॉलिसी, वेस्ट आपको एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए तीन मॉडल्स इकोनॉमिक पॉलिसी के देता है जी, वेस्ट के स्कॉलर्स। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो थियरिस्ट हैं वो आपको तीन बड़े मॉडल्स देते हैं। लीनियर मॉडल, लीनियर मॉडल है कि जिसमें जनाब लीनियर प्रोग्रेशन ऑफ सेविंग, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसके जरिए आप अपनी जीडीपी को बढ़ा रहे हो। स्ट्रक्चरल मॉडल, स्ट्रक्चरल मॉडल आप ट्रांजिशन कर रहे होते हैं अपनी इकोनॉमी की, मोड ऑफ द इकोनॉमी की, फ्रॉम एग्रेरियन टू इंडस्ट्री, फ्रॉम इंडस्ट्री टू आईटी, आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। फ्री मार्केट मॉडल, डीरेगुलेट करो, प्राइवेटाइज करो, रिड्यूस करो गवर्नमेंट का रोल,
इन इकोनॉमिक गवर्नेंस, रेगन और मार्गरेट थेचर इसकी बड़ी एग्जांपल्स हैं, इन्होंने ऐसा ही किया। ये तीन बड़े मॉडल्स आपको वेस्ट के स्कॉलर्स देती है इकोनॉमिक ग्रोथ के, और भी होंगे यार, लेकिन मेरी जो लिमिटेड स्टडी है उसमें ये तीन बड़े मॉडल। लेकिन ये तीनों मॉडल डेवलपिंग कंट्रीज में इफेक्टिव नहीं हुए जी। डेवलपिंग कंट्रीज में जहां सस्टेनेबल ग्रोथ हुई है जी, इवन ये जो मिडिल ईस्ट की जो गल्फ के रीजन के कंट्रीज हैं, मैं उनको भी सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं मानता। जो सस्टेनेबल ग्रोथ हो रही है अभी तक नजर आ रही है और उम्मीद है कि आगे चलती रहेगी, वो दो जो बड़ी एग्जांपल्स हैं वो इन तीनों मॉडल्स पे हैं ही नहीं। उन्होंने तो कल्चरल पब्लिक पॉलिसी बनाई इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इसको कहते हैं डिपेंडेंस मॉडल। डिपेंडेंस मॉडल चाइना एंड इंडिया और टर्की को इनिशिएट करके, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को एनहांस करके, बाहर की मार्केट से के साथ इंटरेक्शंस को, बाहर की प्रोडक्शन को अपने साथ कम इंटरेक्ट करवा के। सो पब्लिक पॉलिसीज इकोनॉमिक्स अफेयर में और बाकी सारे जो जो आपके अफेयर, उसमें भी कल्चरल सॉल्यूशंस आपने डिराइव कर दिए। बंद कमरों में बैठ के वेस्ट की स्टडी करके आप जो पॉलिसीज बनाएंगे वो एग्जीक्यूशन के लेवल पर प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। हमारे जैसे कंट्री को मुख्तलिफ अफेयर्स में ऐसी पब्लिक पॉलिसीज की जरूरत है कि जो कल्चरल डायनामिक्स को सामने रखें। हमारे जैसे कंट्री में सबसे पहले ये अवेयरनेस जनरेट करने की जरूरत है कि मिनिमम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और तीन स्टेजेस को मद्देनजर रखना पड़ेगा, चाहे आप पब्लिक पॉलिसी हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में बना रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के कॉन्टेक्स्ट में, एजुकेशन, एनर्जी, वाटर, व्हाटएवर। द पॉलिसी मस्ट बी वेल डिजाइंड पॉलिसी, प्रॉपरली लेजिटिमाइज्ड। सबसे बड़ा इशू है आपका लेजिटिमेसी of the policy and solid delivery mechanism. Delivery mechanism के लिए आपको subject specialist नहीं चाहिए, आपको policy formulation के लिए subject specialist चाहिए। और ये जो रिफॉर्म्स सीएसएस की, इसके लिए जो पॉलिसीज इनिशिएट की जा रही है वो कलैप्स कर जाएगी, क्योंकि आपको एग्जीक्यूशन इंप्लीमेंटेशन की बॉडी के लिए ब्यूरोक्रेट्स चाहिए जिन्होंने पॉलिसी इंप्लीमेंट करवानी। हाँ, अगर आपने पॉलिसी मेकर्स लेने हैं तो तब आप लेजिस्लेटर्स लें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। ये लेजिस्लेटर्स का काम है, ये ब्यूरोक्रेसी का काम नहीं है। हमारे यहां पूरे का पूरा स्ट्रक्चर ही अपसाइड डाउन है, तो हम ये समझते हैं कि जनाब ब्यूरोक्रेसी में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आए और वो बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या परफॉर्म करना है? इंप्लीमेंटेशन बॉडी के अपने एसओपीज हैं, उन्होंने इसको फॉलो करना है। तो ये जो पूरे का पूरा रिफॉर्म स्ट्रक्चर भी है, ये भी आपका कलैप्स हो जाना है। अवल तो उम्मीद है कि नहीं आएगा, लेकिन अगर आ गया तो ये मुकम्मल का मुकम्मल कलैप्स हो जाएगा। रेबल सोर्सेज हैं, ऑनलाइन पढ़े हुए, लेकिन जो बेस्ट सोर्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, एड्रियन ब्राउन का आर्टिकल है, ADRAIN, एड्रियन ब्राउन। एड्रियन ब्राउन का आर्टिकल है, हाउ कैन गवर्नमेंट्स मेक मोर of an impact, question mark. How can governments make more of an impact? आप World Economic Forum की वेबसाइट पे जाएं, WEF
forum.org और उस पे एड्रियन उसकी सर्च सेक्शन में जाकर लिखने एड्रियन ब्राउन, दूसरा आर्टिकल उसका आ जाएगा जी, 2015-16 का उसका आर्टिकल है, कमाल का आर्टिकल एड्रियन ब्राउन। आई एम होपफुल जी, जितना मेरी लिमिटेड सी अंडरस्टैंडिंग थी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज की, उससे रिलेटेड 8-10 पेजेस की आउटलाइन ये बनाई थी, आपकी खिदमत में पेश कर दी। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल मैं देखूंगा, मुझे कुछ अपने यहाँ लाहौर वाली एकेडमी में कुछ काम है, अगर तो मैं वो टाइमली उनको कर पाया तो मैं फिर अगला टॉपिक स्टडी करूंगा, उसके पॉइंट्स बनाऊंगा, अगर मैं ना कर पाया तो फिर माजरत होगी, मैं फिर परसों जो है बड़ी डिटेल में जो है वो क्लास लूंगा। 50-50 है, कंफर्म नहीं मैं कर सकता। ओके जी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और अपने फीडबैक से जरूर आगाह करें।